नजर ये सूटा लगा ऐसे नजर लगा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें गुड। Assalamualaikum everyone, I hope आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपका रियल फूडी शाहिद मलिक एंड आज मैं आपको लेके जाने लगा हूँ एक लंबे अरसे के बाद कुछ मजेदार किस्म के नाश्ते पे, और वो नाश्ता है DHA की अंदरून गलियों का। अब आप सोचोगे कि यार DHA में भी अंदरून है? हाँ भाई बिल्कुल है, और आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा क्योंकि वो वहां पे जो गलियां हैं, जो कल्चर है, लगता है इसी तरह कि भाई आप अंदरून लाहौर में घूम रहे हो। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ वहां पर है मियां नासिर चने। लाइक उनके चने बहुत ज्यादा जबरदस्त है और स्पेशली लोगों ने रिकमेंड कर करके पागल कर दिया कि भाई उनका जो रायता है आपने उसको लाजमी एक्सप्लोर करना है। तो रायते से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। उसके बाद वहां पे अंडा चने मिलते हैं, कोफ्ता चने मिलते हैं, लस्सी मिलती है, पराठा मिलता है। तो ये सारा फूड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे और बताऊंगा कि भाई वहाँ का टेस्ट कैसा है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कब जा सकते हो आप, और ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी बातें हो गई काफी, अभी चलते हैं हम अपनी स्पॉट पे और ये सारा मजेदार किस्म का रिव्यू और जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चले फिर आ जाए। एक प्लेट चने कितने की है? हमारी 70 रुपीज की हाफ प्लेट है। अंडा
चने जो है वो 90 रुपीज़ की है और कोफ्ता चने है वो चिकन में कोफ्ता है मेरे पास वो 100 रुपीज़ की हाफ प्लेट है। चिकन कोफ्ता 100 रुपीज़ की हाफ प्लेट जी चनों के साथ और फुल फुल में 170 रुपीज़ की है एक कोफ्ते के साथ। वैसे 30 पीस का कोफ्ता है वो जितने मर्जी आप ले सकते हैं। रायता 30 पीस का हाफ है और 50 पीस का फुल दे रहे हैं हम। वो दो लोग बड़े इजी होके खा सकते हैं। और मुझे ये बताएं सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं? हम सुबह 6 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। वैसे सर्दियों में जो है वो 6:30 हो जाते हैं हमें। गर्मियों में हम 5 बजे यहाँ पे ऑन होते हैं। 5 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे से हम 2 बजे तक होते हैं। हमारी मेन ब्रांच है कैंची पे, उनको तकरीबन 27 साल हो गए हमें। वहाँ पे हमारा किचन बने एक ही जगह पे कैंची शॉप पे मेट्रो स्टेशन पे दुकान। यहाँ पे हमें 10 साल हो गए हैं ये जी। प्रॉपर्टी भी हमारी अपनी है और यहाँ पे सेटअप हमने तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं इस एरिया में। पराठा और पराठा आप देखें इसका साइज कितना बड़ा है, कितना जबरदस्त और इंतहाई क्रिस्पी पराठा है। अभी अभी आया है, देखें क्रिस्पी, इंतहाई क्रिस्पी। और ये 30 रुपए का पराठा है। इधर हमारे पास रायता है और ये बड़ा ही स्पेशल कोई रायता है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा पहले ट्राई किया है तो टेस्ट उसका बहुत ही जबरदस्त है और ये सिर्फ 30 रुपए का है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोफ्ता चने और ये अंडा चने हैं। चनों की कीमत 70 रुपए है और कोफ्ता जो है वो 30 रुपए का है और अंडा जो है 20 रुपए का है। और ये दो लस्सियाँ और साथ में हमने स्पेशल कुलचे लिए। तो अब ये एक देखने में जितना टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग किस्म का ये सारा आज का ब्रेकफास्ट लग रहा है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मियां नासिर के चनों का टेस्ट है कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब बारी है भाई मियां नासिर के चनों को एक्सप्लोर करने की। और यहाँ पर मैंने प्रॉपर, जिस तरह के पहले भी मैं आपके साथ फूड को शेयर करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ऑलमोस्ट एक एक चीज़ सारी हो। तो यहाँ पर इनके मैंने मंगवाए हैं अंडा चने, कोफ्ता चने, उसके बाद स्पेशल किस्म के कुलचे हैं। कुलचों के साथ जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी वो यहाँ का पराठा है। और पराठे की जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये है। मतलब इतना बड़ा उसका साइज़ है, माशाल्लाह साइज़ में काफ़ी बड़ा है और लग भी बहुत क्रिस्पी रहा है। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले पराठे से ही, क्योंकि कुलचे तो हर जगह पर ही चलते हैं तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो शुरू करते हैं पराठा से और इसको टेस्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ कि भाई यहाँ के चने और क्या कहते हैं कि इनका पराठा कैसा है। इसके साथ रायता भी है, लस्सी भी है, तो इसको ज़रा फिर एंड पे लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों ने इतना ज़्यादा बताया कि भाई यहाँ का जो रायता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और उसकी भी जो प्राइस है वो भी सिर्फ 30 रुपये है हाफ़ की, और अगर आप फुल करवाएं तो 50 रुपये है। देखते हैं कि भाई ये सारा फूड कितना वर्थ इट है और अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये कह सकते हैं कि खुश्क कर रहा है, क्योंकि अंडा ऑलरेडी क्या कहते हैं कि खुश्क है, तो उसके साथ आपको क्या कहते हैं कि मुंह में थोड़ा सा फील होता है कि कुछ
क्या कहते हैं ना, ड्राई राइस है। तो अब हम इनका जो रायता है, जो लोगों ने बहुत रिकमेंड किया कि भाई यहाँ का जो रायता है बहुत ही सिग्नेचर है, अब इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आला यार, ये तीन माने रुका नहीं जा रहा था। बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल दही है, दही को इनको मिक्सर बनाया हुआ है, उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं जैसा कि उसमें अनियन है, कुकम्बर है, कैरेट है, तो उसका एक प्रॉपर मिक्सर बना के इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सैलड है, सैलड के अंदर उन्होंने ना दही को मिलाया हुआ है, तो उसका जो मज़ा है ना काली मिर्चों का, वो बहुत ही मज़ा करवा रहा है। तो अब बारी है लस्सी की, लस्सी के साथ कुलचा भी है। तो ज़रा आज मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मज़ेदार किस्म का नान, कुलचा फुल तिलों वाला, इसके साथ क्या कहते हैं कि एक घूट ठंडी ठंडी लस्सी का तो बनता है। लेकिन लस्सी पे ना मुझे खुद अपनी गलती के ऊपर अफसोस हो रहा है कि मैंने इसको ठंडा गर्म कर दिया है। ठंडी ठंडी आई थी क्योंकि आपको पता है कि यार कंटेंट बनाना होता है तो उसके लिए आपको फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, सिनेमैटिक सब कुछ को ना लेकर चलना होता है, तो फिर आपको छोटे छोटे से ना सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि जो लस्सी है ना मेरी हो गई है गर्म, लेकिन लस्सी का टेस्ट बिल्कुल जिस तरह की प्रॉपर आपको मतलब लस्सी मिलती है उसी तरह की है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं इसकी थोड़ी सी प्राइस बता देता हूँ। पराठा 30 रुपये का है, जो रायता है ये भी 30 का है, फुल 50 का, जो चने हैं ये 70 के हैं। अगर आप कोफ्ता डलवाते हो तो 30 रुपये कोफ्ते के अलग, और अगर अंडा डलवाते हो तो 20 रुपये अंडे के अलग। और जो लस्सी का गिलास है ये 70 रुपये का है, और जो ये कुलचा है स्पेशली आई गेस 30 रुपये का। तो जो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब चनों का एक प्रॉपर इसका टेस्ट है, जो स्पाइसिस का बहुत ही आला है, और क्या कहते हैं कि अगर मैं रायते की तरफ आऊँ तो रायता बिल्कुल टॉप नॉच है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप सो आपने वीडियो देखी आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आप इस मज़े को डबल से ट्रिपल करना चाहते हो तो आप आओ यहाँ पर मियाँ नासिर चने, जो कि DHA में है, तो आप यहाँ पर आके रिग्रेट फील नहीं करोगे। और सबसे मतलब मज़ेदार बात है कि यहाँ का मतलब ऑलमोस्ट सारा जितना भी फूड है बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो आई होप अभी आप मुझे नई इजाज़त, इंशाल्लाह किसी और अच्छी जगह पर, किसी और फूड पॉइंट पे आपके साथ मुलाकात होगी। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करें। एंड नाउ फॉर दिस टाइम, टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफिज़।